डेली अपडेट साठी लोकमत वर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा। टैग मेरे ख्याल से पहले ही हो जाना चाहिए और फिर मैं कंग्रेचुलेट करूंगा अपनी सरकार को कि उन्होंने इस मुकाम पे आके ये ओके दिया हमारी सेनाओं को। और जो इंडियन एयरफोर्स ने आज किया है बहुत ही बेहतरीन अटैक किया है, जिससे दुश्मन भले इसको डिनाई करे लेकिन दुश्मन हिल गया। ये जो अटैक था वो यूके में ही हुआ है, जो भारत का ही एक उसमें ये हुआ अटैक है, इसमें लेकिन वहां कब्जा हमारे पड़ोसी मुल्क ने कर रहा है। तो हमने उनको ये भी जता दिया कि आपका कब्जा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है हमारे, और इस मुकाम पे जाके हमला हुआ है कि वो लोग जो हैं इस बात को समझ गए हैं कि अब वो टाइम दूर नहीं कि हिंदुस्तान इस पीओके को वापस ले। इंटरनेशनल टेररिज्म मैं कहूंगा खत्म तो नहीं होगा लेकिन उसमें कमी आएगी, जरूर कमी आएगी। मेरे ख्याल से ये अभी शुरुआत है और भारत को ऐसे ही प्रेशर बना के रखना चाहिए पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान घुटने टेक दे और संधि करने की इच्छा खुद जताए। हालांकि वहां के मिनिस्टर्स अभी कह रहे हैं कि साहब हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये बातचीत समय गंवाने वाली है। जब हम उन पे चढ़ाई करेंगे और तब वो संधि के लिए आएंगे तो वो ज्यादा बेटर बातचीत। एयरफोर्स से हूँ, आर्मी से नहीं हूँ, और मुझे यूं लगता है कि बातचीत वाला रास्ता ठीक नहीं है। हम पिछले 20-30 साल से बातचीत ही तो कर रहे हैं, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तो मेरे ख्याल से मिलिट्री एक्शन होना जरूरी था और जो सरकार ने किया ये एक्शन अभी बहुत ही अच्छा एक्शन हुआ है, और इसमें एक सरप्राइज का एलिमेंट था। ऐसे वक्त पे दुश्मन पे हमला किया गया जब दुश्मन उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि हमारे पे हमला होगा, और टारगेट्स भी ऐसे चुने गए कि दुश्मन कहीं और सोच रहा था कि हमला होगा।